फिल्मी न्यूज का 18th एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सनी देओल के साथ डिस्कशन चल रहे हैं नितेश तिवारी की रामायण फिल्म में लॉर्ड हनुमान का रोल करने के लिए, और डायरेक्टर नितेश तिवारी एक सेपरेट फिल्म भी बनाना चाहते हैं भगवान हनुमान के ऊपर, यानी उनकी एक स्टैंड अलोन फिल्म सनी देओल के साथ, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। और रामायण की शूटिंग में टोटल 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है इस फिल्म के 3 पार्ट को कम्प्लीट करने में। और इस फिल्म में रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज माँ सीता और यश रावण का रोल करने वाले हैं। और मैंने इस वाले वीडियो में और भी ज्यादा डिटेल्स शेयर किए हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद टाइगर 3 में टोटल 4+ गाने होने वाले हैं। तो पहले 3 गाने ये रहे, तो फर्स्ट सॉन्ग एक डांस सॉन्ग होने वाला है, दूसरा एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है और तीसरा एक इमोशनल सॉन्ग होने वाला है। उसके बाद अजित कुमार की नेक्स्ट फिल्म अनटाइटल्ड AK-63 को डायरेक्ट करने वाले हैं अधिक रविचंद्रन, जिनकी पिछली फिल्म थी मार्क एंटनी। उसके बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में 8 मिनट का सिंगल टेक वॉर सीन को शूट किया गया है, डायरेक्टेड बाय कबीर खान। उसके बाद शाहिद कपूर की एपिक पीरियड ड्रामा मूवी, जो कि एक महाभारत के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होने वाली है, इस फिल्म को सचिन रवि डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनकी पिछली फिल्म थी अनवे श्रीमन नारायण। उसके बाद जीवी प्रकाश की नेक्स्ट फिल्म एक सी हॉरर एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसका टाइटल रखा गया है किंगस्टन, और इस फिल्म को कमाल प्रकाश डायरेक्ट करने वाले है। उसके बाद जेनेलिया देशमुख ज्वाइन करती है एज फीमेल लीड इन आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर। उसके बाद डेडपूल 3 में वुल्वरीन और डेडपूल जो है वो एक डायमेंशन में फंस जाएंगे, जिसमें उनको अपने पुराने विलन्स के साथ लड़ना होगा। उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में काफी चेंजेस हुए हैं, मार्वल ने इसके सारे हेड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है। सीरीज को एक लीगल प्रोसीजर से चेंज करके ज्यादा एक्शन पैक्ड शो बनाने की प्लानिंग चल रही है, और जितनी भी शूटिंग हुई थी इस सीरीज की उसमें से सिर्फ कुछ सीन्स को ही वो रखने वाले है और एक प्रॉपर रिबूट देने वाले है इस सीरीज को। उसके बाद मार्वल अपने शोज में काफी चेंजेस करने वाला है, जब उनको इंटरनली कुछ क्रिटिसिज्म्स मिलने के बाद अभी शोज को एक प्रॉपर शो रनर मिलने वाला है, जो कि पायलट्स को लिखेंगे और शूट करेंगे, और पायलट्स अप्रूव होने के बाद ही शो कंटिन्यू होगा और मल्टी सीजन फॉर्मेट पे फोकस किया जाएगा, ना कि एक लिमिटेड सीरीज पे। क्रिएटिव्स जो काम करते हैं मार्वल के शोज के ऊपर, उन्होंने ही कंप्लेंट की है कि मार्वल के पास कोई एक सेंट्रल विजन नहीं है अपने शोज के लिए, इसकी वजह से डिफरेंसेस और टेंशन बढ़ रहे हैं। मार्वल ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में संभाल लेंगे वाला एटीट्यूड के साथ वो चल रहे हैं, और फिल्म एग्जीक्यूटिव्स शो को चला रहे हैं और बिना किसी प्रॉपर टेस्टिंग के साथ $150 million+ के शोज जो है वो अप्रूव किए जा रहे हैं, और इन सब में चेंजेस करने के बाद ही वो अपने शोज के डिवीजन को इम्प्रूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद बार्बी की जोड़ी वापस आ रही है एक फिल्म के लिए, यानी मार्गो रॉबी और रायन गॉसलिंग वापस आ रहे हैं ओशंस 11 मूवी के प्रीक्वल के लिए, और ये फिल्म एक हाइस्ट फिल्म होने वाली है मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स 1962 में, और इसे एक एपिक लव स्टोरी एडवेंचर के अंडर डिस्गाइज किया जाएगा। उसके बाद जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में कोई भी पिछले जस्टिस लीग के एक्टर वापस नहीं आने वाले हैं अपने रोल्स को करने के लिए, यानी नो गैल गैडोट फॉर वंडर वुमन, नो जेसन मोमोआ फॉर एक्वामैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सिर्फ 2 एक्टर्स वापस आ रहे हैं अपने पिछले रोल्स में, पीसमेकर एंड अमांडा वॉलर वापस आ रहे हैं। उसके बाद जेसन मोमोआ डीसी में वापस आ रहे हैं एज लोबो का कैरेक्टर, एंड वो जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी में आ सकते हैं या फिर अपने स्टैंड अलोन फिल्म में। उसके बाद सूट्स यूनिवर्स एक्सपांड होने वाला है एक नए सीरीज के साथ, और सीरीज के शो रनर एरन क्रॉस वापस आ रहे हैं। ये कोई रिवाइवल या रिबूट या स्पिन ऑफ नहीं होने वाला है, ये नए सूट सीरीज जो है उसमें नए कैरेक्टर्स होने वाले हैं और एक नए लोकेशन में ये बेस्ड होगा। लॉस एंजलिस को कंसीडर किया जा रहा है इस वर्कप्लेस ड्रामा सीरीज के लिए। उसके बाद नानी और मुनराल ठाकुर की फिल्म हाई नाना का टीजर 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। उसके बाद वेंकटेश की फिल्म सैनदेव का टीजर 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। उसके बाद श्याम बहादुर का टीजर रिलीज हो गया है, स्टारिंग विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा एंड फातिमा सना शेख, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, रिलीजिंग ऑन 1st December 2023। उसके बाद सजनी शिंदे का वायरल वीडियो का ट्रेलर रिलीज हो गया है, रिलीजिंग ऑन 27th October 2023, स्टारिंग निमृत कौर एंड राधिका मदन, डायरेक्टेड बाय निखिल मुसले। तो आपके क्या कहना है इन अपडेट्स के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। यहाँ पे आप और वीडियोस भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।